नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सीएमएस ऑडिटोरियम में 28 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑर्केस्ट्रा अपने शुरू के रंगों को बिखेरेगा। इस ऑर्केस्ट्रा से जनता को रूबरू कराने और संगीत के जरिए जय जगत का संदेश देने के लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर सीएमएस के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षाविद जगदीश गांधी का कहना है कि संगीत आत्मा का भोजन होता है। रात तक स्माइल करके काम करता है। टीचर्स है भैया जी, इन सारे टीचर्स के लिए अ बिग राउंड ऑफ जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको ये अरेंज कर पाती है। मुझे मेरा काम है, अगर जो हमने सिटी यहाँ पे प्रिंसिपल भी बैठती है कि प्रिंसिपल डेस्क के पीछे बैठ करके बस ऑर्डर करती है, लाइक देते हैं आपको उनके सहयोग से, और हमारी निशा पांडे जो प्रिंसिपल राजा जी ब्रांच सी एम एस की, उनके सहयोग से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये करीब एक हफ्ते 8 दिन तक आपको 8 दिन ये कार्यक्रम, और ये पीस को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम में सारे हमारे शांति विश्व में, शांति हो विश्व में, युद्ध हो रहे हैं वो न हो,
इसके लिए हमारी कोशिश। तो वहीं कार्यक्रम के बारे में सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी से विस्तार से चर्चा की हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। जगदीश गांधी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी जी हैं। गांधी जी, आज जो ये कार्यक्रम हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑर्केस्ट्रा दुनिया के महान संगीतज्ञ को आप एक छत के नीचे ला रहे हैं, ये किस तरीके का कार्यक्रम है और कितना बड़ा आयोजन है? देखिए, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये संसार का सबसे बड़ा ये मीडिया ऑर्केस्ट्रा है और इसमें 27 देशों के म्यूजिशंस आए हुए हैं एक 8 दिन के लिए। ये हमारे सब मेहमान हैं। ये 28 तारीख को हम इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम इसी हॉल में करने जा रहे हैं। ये सब शांति और प्रेम और एकता दुनिया में कायम हो उसके लिए ये ऑर्केस्ट्रा हम लोग कर रहे हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कहीं दुनिया में युद्ध हो रहा है, ऐसे में जो संगीत है वो जोड़ता है लोगों को और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या शिक्षा आप देंगे दुनिया को, क्या इस समय मैसेज देंगे? देखिए, संगीत दुनिया को जोड़ता है और संगीत बहुत बड़ी चीज़ है। संगीत फूड इज ए फूड फॉर सोल, ये आत्मा का भोजन है संगीत। तो इसको प्रमोट हम कर रहे हैं और इसको हम बहुत व्यापक रूप से प्रमोट कर रहे हैं। हमारे काफ़ी बच्चे इस ऑर्केस्ट्रा में हिस्सा ले रहे हैं, तो बच्चों में भी हम ये भावना भर रहे हैं कि उन्हें म्यूज़िक सीखना है और म्यूज़िक भी शांति का, एकता का, प्रेम का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जगदीश गांधी जी का कहना है कि जिस तरीके से संगीत रगों में बहता है, दुनिया को जोड़ता है, प्रेम का संदेश देता है और ये 7 सुर 7 समुद्र के पार रहने वाले लोगों को एक धागे में पिरो लेते हैं, कुछ ऐसा ही आयोजन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के इस प्रांगण में, इस ऑडिटोरियम में होगा, जिससे दुनिया को प्रेम और शांति का मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। और जिस चीज को सीएमएस जय जगत के नाते मानवता कल्याण की बात करता है, मानव को एक सूत्र में पिरोने की बात करता है, वो उद्देश्य भी सार्थक होगा। राजेश के साथ शेखर त्रिवेदी, साधना प्लस। बीजेपी ने राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि पेपर लीक की सभी घटनाओं पर गहलोत सरकार लगातार लीपापोती करती रही है, लेकिन इस प्रकरण में ईडी की जांच के बाद इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई, अब आगे की कार्रवाई होगी, इससे गहलोत सरकार बैकफुट पर आ गई है। और सरकार में बैठे हुए लोग इस पर लीपापोती करते हुए नजर आए। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट ऐसे प्रदान करते हुए दिखाई दिए। 18वें पेपर लीक के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड आंदोलन राजस्थान प्रदेश के हर एक जिले में खड़ा किया और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब पत्रकार मित्रों का भी कि आपने जिस निर्भीकता और निष्पक्षता के साथ में इस सब विषय को देश और प्रदेश की जनता के सामने रखा, तब दबाव में आकर के गहलोत सरकार को कुछ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई कुछ कदम चली थी। हम सब के संज्ञान में है कि आरपीएससी के सर्विंग मेंबर को जेल जाना पड़ा और इसके साथ साथ में कांग्रेस सरकार के द्वारा मंत्री पद का दर्जा दिए गए व्यक्ति को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है
कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई भी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ये संकल्प पहले दिन से है कि हम किसी भी सूरत में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। तो वही बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 351 करोड़ की लागत की 311 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही सीएम ने लाभार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए। लगभग 350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास और लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, इस बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय जी, माननीय विधायक श्री योगेश धामा जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू शिवाज जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह जी, चौधरी साहब सिंह जी, लोकेश दीक्षित जी, जितेंद्र सतवई जी, सतेंद्र सोलंकी जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक श्री कृष्णवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में बागपत जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, अभी शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का पावन आयोजन संपन्न हुआ है। बागपत विकास की एक नई ऊंचाई को छूने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है और आज सबकी उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही है और उसी का परिणाम है जब मुझे अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी और
सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे, 27 नौजवान। मैंने तो पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिरी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर वाहन की रक्षा होगी। याद करिए बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से बागपत एक था, और ये 5 गांव द्रौपदी के चीरहरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी के चीरहरण से ही पड़ गई थी, वो तो होना ही था, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयार ही नहीं था, वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और अंत में क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा, जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी, जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है, इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, चीनी उनकी कर्म भूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया, हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है, हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई,
हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ो देहरादून ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पर। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या ये पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है, ये जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे, तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा, साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक एक विश्वविद्यालय खोल दिया है, हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय। और अब हम लोग चल रहे हैं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज तो चूंकि बड़ोद में कार्यक्रम था तो आज इसलिए बड़ोद में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में, बड़ोद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, यहां का प्रमुख कस्बा है, विकास की नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है,
हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को, भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि सक्षम हो जाएगा। और तकनीकी दृष्टि जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसी लिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज जमीन की भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बना करके हमें उपलब्ध करवा दें और प्रदेश सरकार बाकी पैसा लगाएगा और विश्वविद्यालय का एक भव्य रूप आपको पहले साल में उपलब्ध हो जाएगा। तो नया करना ही नहीं है कि सब कुछ औपचारिकताएं आपके पूर्वजों ने पहले से करके रखी हुई है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ करके प्रयास करना होगा, एक नयापन आएगा, नई चीजें देखने को मिलेंगी। हमें विकास के सोच के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा और भाइयों बहनों विकास की उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बागपत में आज विकास के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है, लोग तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम केवल अपने गांव अपने घर तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि दुनिया को लाके यहां बताएंगे। खेती बाड़ी सीखनी है तो आइए बागपत में आइए। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।